एक ऐसी शायरा को मैं आपके बीच पेश कर रहा हूँ जिनको आपने बारह मुशायरे की महफिलों में बहुत पसंद किया है। मोहतरमा शाइस्ता सना अपनी गजलों और गीतों की वजह से पूरी उर्दू दुनिया में बहुत मशहूर है। उनका कलाम आपके मोबाइल में YouTube के जरिए आप बहुत सुनते भी हैं और उनकी वीडियो को आपके मोबाइल में महफूज भी किया जाता है। मैं चाहता हूं कि उर्दू दुनिया में बहुत ही मोहब्बत के साथ सुनी जाने वाली शायरा जो आज की औरत की आवाज बनकर गूंजती है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा शाइस्ता सना। शाइस्ता सना साहिबा से मैं गुजारिश करता हूँ, लेकिन साथियों ये मुशायरा आगे बढ़े इसमें आपका थोड़ा सा तआवुन मुझे चाहिए, जल्दी से बैठ जाइए। मैंने शाइस्ता सना का नाम इसलिए पुकार दिया कि जब तक वो आए तब तक मैं माहौल को ठीक ठाक कर लूं। बैठ जाइए भाई, प्लीज प्लीज बैठ जाए ताकि शाइस्ता सना साहिबा माइक पर आकर आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर सके। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। ये मुशायरे की महफिल आपके कलाम की मुंतजर है, ये माइक आपका इंतजार कर रहा है। आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। निसाई लहजे की तर्जुमानी में आज के खातून के जज्बात और एहसास एक शायरा की आवाज बनते हैं। अपनी तन्हाई मेरे नाम से आबाद करे, कौन होगा जो मुझे उसकी तरह याद करे। उसकी मुट्ठी में बहुत रोज रहा मेरा वजूद, मेरे साहिर से कहो अब मुझे आजाद करे। मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा माइक। मौजूद हाजरीन शोरा इकराम, सलाम अर्ज करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और आपने सलाम किया था उसका जवाब देती हूँ, वालेकुम अस्सलाम। मैं गुजारिश करती हूँ जो ये दाहिनी तरफ जो रूह भटक रही है वो मेहरबानी करके अगर इधर आ जाएंगे। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे जबरदस्ती नहीं करूँगी कि आप मुझे सुन लीजिए। मैं एक मतला दो शेर पढ़ती हूँ, आप अगर सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगी, वरना मेरी जगह खाली है, मैं अपनी जगह ले लूंगी। मतलब हासिल करती हूँ बतौर खास। देखें काफी तादाद में नौजवान चेहरे नजर आ रहे हैं, मतलब पेश करती हूँ। देखें अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है, अब कहाँ काम कबूतर से लिया बतौर खास देखे। अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है, उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे, उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे, उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे, उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे। प्यार का काम मैसेंजर से लिया जाता है, प्यार का काम मैसेंजर से लिया जाता है, अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है। और ये शेर पढ़ के अपनी जगह लेती हूँ, पेश करती हूँ। देखें प्यार की मैं गुजरूरत नहीं पैमानों की, प्यार की मैं गुजरूरत नहीं पैमानों की, प्यार की मैं जरूरत नहीं पैमानों की, प्यार की मैं जरूरत नहीं पैमानों की। प्यार का जाम निगाहों से पिया जाता। शाइस्ता सना, शाइस्ता सना आ जाइए आ जाइए। आपको तो मैंने टाइम भी नहीं बताया था, आपने तो कुछ ज्यादा ही
इख्तिसार करते हैं। नहीं नदीम भाई, आप इससे पहले कि आप टाइम बताते थे, मैंने खुद वक्त का ख्याल रखा और मैंने ये जो हजरत थक चुके हैं इनकी तकलीफ का भी ख्याल रखा कि आप थक चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपके हिस्से में तमाम सीनियर शोरा की तरह 7 मिनट का टाइम आया था, 7 में से आप 2 मिनट खर्च कर चुकी हैं, 5 मिनट बाकी हैं। आप एक खूबसूरत सी गजल या 2 कतात और 1 गीत से नवाज दें, 5 मिनट पूरे हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो पढ़ना चाहे पढ़ दीजिए, आप अपनी मर्जी से जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए ताकि शाइस्ता सना अपने कलाम से नवाज। मैं पढ़ती हूँ, मुझे 4 मिसरों के लिए हुक्म है, वो मैं हाजिर कर देती हूँ। देखिए, हर तरफ मन चले नौजवान बैठे थे, इनके लिए पढ़ दिए। हमें चाहती हूँ, बहुत से हमारे जिम्मेदारान यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, 4 मिसरे बुजुर्गों के लिए 4 मिसरे हासिल करती हूँ। देखिए, आज का 21वीं सदी का सच, मैं आप सभी जिम्मेदार बैठे हैं, आप सबकी दुआएं चाहती हूँ। पिछली सब में जो हजरत तशरीफ रखते हैं उनकी दुआएं चाहती हूँ। खसूसी तौर पर मैं ये 4 मिसरे हासिल करती हूँ बतौर खास। देखे, मैं बताना चाहती हूँ आपको के माँ बाप मिलके 10 बच्चों को तो पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलके माँ बाप को नहीं पाल सकते। आज का वो दौर है। मैं हाजिर करती हूँ मेरे ये 4 मिसरे पेश करके। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का खून भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का खून जरा रुकना। अब आपके से कोई भी फूल नहीं फेंकेगा ऊपर, ये आखिरी वार्निंग है, आपके से कोई भी फूल नहीं फेंकेगा। बस बस भैया, बस रहने दीजिए, नहीं फेंकेंगे सर। इस बार छोड़ दीजिए, इस बार छोड़ दीजिए, अब कोई नहीं फेंकेगा फूल। अब इन्हें समझा दिया गया है, अब नहीं फेंकेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, अब नहीं फेंकेंगे। ये मैं इनकी तरफ से जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं फिर एक बार पेश करती हूँ, और आप सभी जिम्मेदार हैं, आप आपकी भी तवज्जो चाहती हूँ। आपका फर्ज है कि आप अपनी दादू तहसीन से मुझे नवाजें। मैं हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखिए मैं बिल्कुल गीत भी पढ़ती हूँ। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, हमने देखा है कि दो बात की रोटी के लिए, हमने देखा है कि दो बात की रोटी के लिए, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। और 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, अलग मिजाज के पेश करती हूँ बतौर खास। देखे, दिल को डसते हुए मौसम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी
मुझको मोहल्लम की तरह लगती है ईद भी। शाइस्ता सना साहिबा अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई हजरत गिरामी।